कोविड-19 महामारी के मौजूदा वक्त में जनपद गाजीपुर में कैंसर और थैलेसीमिया के मरीजों की लगातार ब्लड की जरूरत पड़ती रही, जिसकी आपूर्ति कहीं ना कहीं जिला अस्पताल को करने की जिम्मेदारी रही है। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते जिला अस्पताल का ब्लड बैंक भी लगभग खाली सा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 7 साल पूरा होने पर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के युवा मोर्चा सहित कई संगठन के लोगों ने रक्तदान किया है। ये कोरोना काल को देखते हुए ये एक वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसर के मरीज, थैलेसीमिया के मरीज और भी बहुत खून की कमी के मरीज सब आते हैं, जिनको जिला चिकित्सालय से हमेशा ब्लड डोनेट किया जाता है, मिलता है। और ये कोरोना काल में ब्लड की बहुत कमी थी, जिसके वजह से ये जो आज जो कैंप लगाया गया है, ये इस काम में वरदान साबित होगा। जनपद गाजीपुर के लंका मैदान में कोविड-19 महामारी के बीच आज करीब 2 माह के बाद रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। यह आयोजन केंद्र सरकार के 7 साल पूरा होने पर सेवा और समर्पण की भावना से आयोजित किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के साथ ही कई घटक के द्वारा रक्तदान किया गया। इसको लेकर जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कोविड-19 महामारी के वक्त जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमित सिंह ने बताया कि आज रक्तदान शिविर में कुल 100 यूनिट रक्तदान करने का संकल्प लिया गया है, जो हम आज पूरा करेंगे। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूरे होने पर अपने शीर्ष नेतृत्व ने निर्देशित किया था कि भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा के अपने सभी कार्यकर्ता बंधु आज रक्तदान करेंगे, जिससे ऐसे जो मरीज हैं जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनको रक्त दे करके उनके जीवन को बचाया जा सके। इस नाते भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक संगठन के साथ साथ सेवा ही संगठन के संकल्प के तहत ये समाज सेवा का भी कार्य कर रही है, इस लॉकडाउन में भी अपने भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ऐसे ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय लिया, निर्णय लिया कि हम सब अपने अपने जनपदों में ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन करके कोरोना के समय में तमाम तरह के लोग हर तरह बीमारियों से ग्रसित हुए, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो युवा मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर उनके सहयोग और उनकी मदद के लिए आज यह रक्तदान शिविर का कार्यक्रम लगाए हैं, ताकि जिसे ज़रूरत हो समय से युवा मोर्चा कार्यकर्ता उनके पास रक्त पहुंचा सके। ऐसे में जो रक्तदान का यह कार्यक्रम, क्या आप लोगों ने लक्ष्य रखा है इसके लिए? देखिए, टारगेट तो हम लोगों ने 100 का बनाया है और लगभग प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।